तो कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि साइकिल से अपने घर जा रही थी। तभी अचानक बहुत सारे डॉग्स उसका पीछा करने लगते हैं। असल में इन सभी डॉग्स का एक लीडर डॉग था जिसने इंसानों से बदला लेने के लिए शहर के सभी डॉग्स को इकट्ठा किया था। यहां से कहानी फ्लैशबैक में लिली को दिखाते हुए शिफ्ट होती है जो कि अपने पेट डॉग हेगन के साथ खेल रही थी। तभी लिली की माँ एल्जा वहाँ आती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एल्जा ने दूसरी शादी कर ली है, जिस वजह से लिली अपने पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज नहीं है और वो अपना पूरा समय हेगन के साथ ही बिताती है। खैर, आज ही के दिन एल्जा बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, इसलिए वो लिली को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास छोड़ने के लिए जाती है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो कि बुचर शॉप में मीट को चेक करने का काम किया करता था। जब डैनियल अपना काम करके बाहर आता है तो वहाँ एल्जा और लिली को देखता है। तब एल्जा डैनियल को कुछ दिनों के लिए लिली और उसके डॉग की देखभाल करने को कहती है। डैनियल अपनी बेटी लिली से कई सालों बाद मिला था, लेकिन उसके साथ हेगन को देखकर वो खुश नहीं था क्योंकि जिस घर में डैनियल रहता था वहाँ डॉग को रखना अलाउड नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हेगन को साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं, जिस दौरान डैनियल की मकान मालिक उन्हें देख लेती है और डैनियल को याद दिलाती है कि इस अपार्टमेंट में डॉग्स को रखना मना है, जिस पर डैनियल उससे कहता है कि ये डॉग ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकेगा। इसके बाद रात में लिली और डैनियल एक साथ डिनर करते हैं, जिस दौरान लिली हेगन के साथ खेलती है और उसे अपना खाना खिलाती है। ये देखकर डैनियल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लिली को डांटने लगता है। डिनर के बाद लिली हेगन को अपने रूम में सुलाने का कहती है, लेकिन डैनियल इसके खिलाफ था, इसलिए वो हेगन को वॉशरूम में बंद कर देता है। तब परेशान होकर हेगन पूरी रात चिल्लाता है, जिस वजह से डैनियल और लिली दोनों ही नहीं सो पाते। इसलिए लिली हेगन को शांत करने के लिए उसके पास जाती है और ट्रम्पेट बजाकर उसे सुला देती है। अगली सुबह डैनियल के घर पर एनिमल कंट्रोल से एक इंस्पेक्टर आता है और डैनियल से अनरजिस्टर्ड डॉग को घर में रखने के लिए टैक्स मांगने लगता है। दरअसल रात के समय डैनियल के पड़ोसियों ने हेगन की आवाज से परेशान होकर एनिमल कंट्रोल में शिकायत कर दी थी। खैर, यहाँ डैनियल हेगन को इंस्पेक्टर से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेगन वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जिससे इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि डैनियल के घर में एक डॉग है। पर फिर भी डैनियल इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनता और उसे फाइन देने से मना कर देता है। दूसरी ओर लिली अपने फादर को गुस्से में देखकर टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके फादर हेगन को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे, इसलिए वो हेगन को अपने म्यूजिक स्कूल के स्टोरेज रूम में छिपा देती है। लेकिन तेज म्यूजिक सुनकर हेगन क्लासरूम में आ जाता है, जिससे लिली की टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो लिली से उसके डॉग को क्लास से बाहर करने को कहने लगती है। पर लिली हेगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी हेगन के साथ बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे डैनियल मिल जाता है। असल में म्यूजिक टीचर ने डैनियल को फोन करके बता दिया था कि लिली स्कूल में अपने डॉग के साथ आई थी। यहाँ डैनियल लिली को कार में बैठाकर उस पर चिल्लाता है और हेगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ने का कहता है। ये सुनकर लिली अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो हेगन को एनिमल शेल्टर ना ले जाए, पर डैनियल अपनी बात पर अड़ा रहता है और गुस्से में हेगन को कार से निकाल देता है, जिसके बाद हेगन उनकी कार का पीछा करता है, पर ज्यादा देर तक वो कार का पीछा नहीं कर पाता और उनसे बिछड़ जाता है। रात में हम लिली को देखते हैं जो हेगन को ढूंढने का प्लान बनाती है और हेगन के लिए फ्रिज से मीट निकालने लगती है, जिस दौरान डैनियल वहाँ आ जाता है और लिली को किचन से बाहर निकालकर उसे सोने का कहता है। यहाँ हम हेगन को देखते हैं जो कि उसी जगह पर लिली का इंतजार कर रहा था, पर जब लिली वहाँ नहीं आती तो वो खाने की तलाश में निकल जाता है, जिस दौरान उसे सड़क के किनारे एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसका किसी कार से एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ हेगन को समझ आ जाता है कि सड़क पर रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मीट की खुशबू आती है, जिसे सूंघते हुए वो एक बुचर शॉप पर पहुँच जाता है और मीट को देखने लगता है, जिसके दौरान उसे एक व्हाइट कलर का डॉग दिखाई देता है जो कि उसी शॉप की तरफ जा रहा था। ये देखकर हेगन भी उस डॉग के पीछे जाने लगता है और बुचर शॉप के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ बहुत सारे डॉग्स होते हैं जो कि बुचर शॉप के बचे हुए मीट को खा रहे थे, पर जब हेगन उस मीट को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरे डॉग्स उस पर भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर बुचर वहाँ आ जाता है और सभी डॉग्स को वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन हेगन अभी भी वहीं रहता है और बुचर पर भौंकने लगता है, जिससे बुचर को उस पर गुस्सा आ जाता है। ये देखकर हेगन उस शॉप के कटिंग रूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन बुचर हेगन को देख लेता है और उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान वहाँ व्हाइट डॉग आ जाता है जो कि हेगन को बचाने के लिए उस बुचर के पैर को पकड़ लेता है। इसके बाद हेगन उस व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है। इस जगह पर कई डॉग्स होते हैं जो कि एक तालाब में मस्ती करते हुए उसका पानी पी रहे थे। ये देखकर हेगन भी उनके ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉग्स उसे अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, इसलिए हेगन उस व्हाइट डॉग के साथ जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब से सिर्फ वही उसका दोस्त था।
पर अगले दिन डॉग्स को पकड़ने वाले लोग उस सुनसान जगह पर आ जाते हैं, इसलिए हेगन और उसके दोस्त को वहां से भागना पड़ता है। पर हेगन को दो लोग घेर लेते हैं। यहां हेगन को लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, इसलिए वो उन आदमियों से दूर नहीं जाता है। ये देखकर व्हाइट डॉग भौंकने लगता है, जिससे हेगन को समझ आ जाता है कि वो लोग उसके लिए खतरा हैं। इसलिए हेगन वहां से भाग जाता है और उन लोगों से छुपने की कोशिश करता है, जिस दौरान एक बेघर आदमी हेगन को अपने पास छुपा लेता है, जिसके बाद वो बेघर आदमी हेगन को खाना खिलाता है और उसके गले में एक रस्सी डाल देता है। यहाँ डैनियल को देखते हैं, जो कि लिली को उसके म्यूजिक स्कूल में ले जाता है और उसे टीचर से माफी मांगने के लिए कहता है। तब लिली अपने फादर और टीचर को बताती है कि मैं अब से हेगन की तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हेगन के कारण सबको परेशानी होती है। हालांकि क्लास के बाद लिली उस जगह पर जाती है जहाँ डैनियल ने हेगन को छोड़ा था, पर यहाँ पर उसे हेगन नहीं मिलता, इसलिए वो उसे आसपास की गलियों में ढूंढने लगती है। इसके अलावा वो हेगन के मिसिंग होने के पोस्टर्स को हर जगह पर लगा देती है। दूसरी ओर वो बेघर आदमी खाने के बदले हेगन को एक रेस्टोरेंट के ओनर को बेच देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट का ओनर एक डीलर भी है, जो कि इलीगल तरीके से स्ट्रीट डॉग्स को बेचता है। अगली सुबह उस डीलर के पास सेबॉल्स नाम का कस्टमर आता है और डॉग्स को फाइट क्लब के लिए चुनने लगता है। यहाँ डीलर उस आदमी को सबसे खतरनाक डॉग दिखाता है, लेकिन सेबॉल्स हेगन को चुनता है, जिस पर डीलर सेबॉल्स को उसे चुनने से रोकता है और बताता है कि उस डॉग की स्किन बहुत पतली है, इसलिए वो फाइट क्लब में हिस्सा लेने लायक नहीं है। लेकिन सेबॉल्स को भरोसा था कि वो हेगन को एक फाइटर डॉग बना देगा। इसके बाद सेबॉल्स हेगन को नींद की गोलियां खिलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। जब हेगन की आंख खुलती है तो सेबॉल्स उसे ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन खिलाता है। इसके अलावा वो हेगन को चाबुक से पीटता है ताकि हेगन एक गुस्सैल डॉग बन जाए। सेबॉल्स उसे ट्रेनिंग देकर जल्द ही एक जंगली जानवर में बदल देता है, जिससे हेगन फाइटिंग क्लब में हिस्सा लेने लायक बन जाता है। इसी दौरान हम लिली को देखते हैं, जो कि अभी भी हेगन की तलाश कर रही थी, इसलिए वो एनिमल शेल्टर में जाती है और वहाँ के मालिक से हेगन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ की मालिक का कहना था कि डॉग का सड़क पर बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मुझे लगता है कि हेगन किसी कार से टकरा गया होगा या फिर किसी नदी में डूबकर मर गया होगा। इसी बीच लिली की साइकिल चोरी हो जाती है, इसी वजह से वो अपने घर नहीं लौट पाती। यहाँ सेबॉल्स हेगन को फाइट क्लब में ले जाता है, जहाँ दो गुस्सैल डॉग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है और इस फाइट में जिंदा बचने वाले डॉग को विनर बना दिया जाता है, जिससे विनर डॉग की मालिक को काफी सारा पैसा मिलता है। इसके बाद हेगन की बारी आती है और उसे ब्लैक रॉटवेलर से लड़ाया जाता है, जिससे दोनों डॉग्स के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में पहले तो हेगन हार रहा था, पर अगले ही पल हेगन उस रॉटवेलर डॉग का गला काट देता है और फाइट जीत जाता है। ये देखकर सेबॉल्स बहुत खुश होता है, लेकिन हेगन अभी भी रॉटवेलर को देख रहा था। इसके बाद एक आदमी सेबॉल्स से हेगन को खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर सेबॉल्स उसे बेचने से इनकार कर देता है। इस वजह से सेबॉल्स की उस आदमी के साथ बहस होने लगती है। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे सेबॉल्स को लगता है कि किसी ने उसके डॉग को चुरा लिया है, जबकि हेगन इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग चुका था। यहाँ लिली रात होने पर पैदल ही घर के लिए निकल जाती है, जिस दौरान वो उसके म्यूजिक स्कूल के क्लासमेट पीटर से मिलती है। लिली अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो पीटर के साथ नाइट क्लब में जाने को कहती है, जिस पर पीटर मना कर देता है। पर बाद में वो लिली से अपने ड्रग्स को क्लब में ले जाने के बदले उसे क्लब में ले जाता है। इसके बाद लिली उसके ड्रग्स को छिपाकर क्लब में ले जाने लगती है। अब क्योंकि लिली बहुत छोटी थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक नहीं करता है। यहाँ क्लब के अंदर पीटर लिली को अकेला छोड़ देता है और एक लड़की के साथ चला जाता है, जिससे लिली को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो शराब पी लेती है, जिसके कारण वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह पुलिस क्लब में आती है और लिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ उसका ड्रग टेस्ट किया जाता है, लेकिन लिली का टेस्ट नेगेटिव आता है। तभी डैनियल वहाँ पर आता है और लिली की इस हालत के पीछे खुद को जिम्मेदार समझता है, इसलिए डैनियल रोते हुए लिली से माफी मांगता है और उससे नए डॉग को अडॉप्ट करने का कहता है। लेकिन लिली अपने फादर को माफ कर देती है और कहती है कि मुझे अब कोई भी डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद लिली अपने फादर के साथ वापस घर लौट आती है। अगले दिन डैनियल अपने काम पर जाने वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं लिली फिर से घर से भाग न जाए, इसलिए लिली डैनियल से वादा करती है कि वो अब नहीं भागेगी, जिससे डैनियल काम पर जाने के लिए राजी हो जाता है। इस बीच हेगन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो अपने दोस्त व्हाइट डॉग से मिलता है, जिसके बाद वो दोनों तालाब के पास जाकर खेलते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। पर तभी वहां डॉग्स को पकड़ने वाले लोग आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं, जहां शेल्टर की मालिक नोटिस करती है कि हेगन का पंजा घायल है, इसीलिए वो उसे इलाज के लिए भेज देती है। यहां हेगन अपने ट्रीटमेंट के लिए रूम में इंतजार कर रहा था कि तभी वो एक औरत को पास वाले रूम में देखता है, जो कि एक बीमार डॉग को जान से मारने के बाद उसे एक बैग में डाल रही थी। इसके बाद हेगन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी के डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया
दिया जाता है। यहाँ के वर्कर्स सभी डॉग्स के पिंजरे में खाना रखते हैं, लेकिन हेगन उस खाने को छूता भी नहीं है क्योंकि वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अगले दिन शेल्टर में कुछ विजिटर्स डॉग्स को एडॉप्ट करने के लिए आते हैं। तब एक लड़की को हेगन पसंद आ जाता है, लेकिन जब वो हेगन के पिंजरे के पास जाती है तो हेगन उस पर झपटने की कोशिश करता है। ये देखकर शेल्टर की मालिक अपने वर्कर्स से हेगन को संभालने का कहती है। दूसरी ओर लिली के म्यूजिक स्कूल को देखते हैं, जहां आज एक कॉन्सर्ट होने वाला था जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली थी, इसलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए कॉन्सर्ट में आता है। इधर वर्कर हेगन को दूसरे डॉग्स के साथ एक पिंजरे में डाल रहा होता है, जिस दौरान हेगन अपने गले के पट्टे को तोड़ देता है और उस वर्कर की गर्दन पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद सभी डॉग्स पिंजरे से बाहर निकल आते हैं और हेगन को अपना लीडर मानकर उसके साथ भागने लगते हैं। यहाँ शेल्टर की मालिक हेगन और बाकी के डॉग्स को रोकने की कोशिश करती है, पर हेगन के गुस्से को देखकर वो बहुत डर जाती है और फिसलकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद सभी डॉग्स हेगन के पीछे जाते हैं और सड़क पर फैल जाते हैं, जिससे शहर के सभी लोगों में दहशत फैल जाती है। साथ ही भूख के कारण सभी डॉग्स गुस्से में आ जाते हैं और इंसानों पर हमला करके उनका खाना छीनने लगते हैं। साथ ही कुछ डॉग्स लिली के म्यूजिक कॉन्सर्ट में आ जाते हैं और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे डॉग्स को देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, इसलिए सभी अपनी सुरक्षा के लिए खुद को हॉल में बंद कर लेते हैं और पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ लिली को यकीन था कि हेगन भी इन्हीं डॉग्स के साथ होगा, इसलिए वो हेगन को ढूंढने का कहती है, जिस पर पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन बाद में पीटर उसे बाहर निकलने में मदद करता है और उसे अपनी साइकिल दे देता है। इसके बाद लिली अपने दोस्त हेगन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसी दौरान सड़क पर बहुत सारे डॉग्स एक गली से बाहर निकलकर लिली का पीछा करने लगते हैं और उसे साइकिल से गिरा देते हैं, लेकिन कोई भी डॉग लिली पर हमला नहीं करता, बल्कि सभी वहां से दौड़ते हुए निकल जाते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी डॉग्स अपने स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं। इधर हेगन उन सभी लोगों से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुँचाया था, इसलिए वो सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिसने उसे सेबॉल्स को बेच दिया था। इस रेस्टोरेंट में पहुंचकर हेगन के साथ ही उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। थोड़ी ही देर बाद लिली वहां पहुंच जाती है, तभी वहां पुलिस आ जाती है और लिली को क्राइम सीन के पास आने के आरोप में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन लिली बड़ी चालाकी से वहां से भाग निकलती है और एक बुचर शॉप पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक बुचर की लाश दिखाई देती है। दरअसल ये बुचर हेगन का अगला शिकार था। यहां लिली इतने सारे ब्लड को देखकर बीमार हो जाती है। इसके बाद वो अपने फादर को कॉल करके बताती है कि पुलिस हेगन को ढूंढकर उसे गोली मार देगी, इसलिए मैं हेगन को ढूंढने जा रही हूँ। दूसरी तरफ पुलिस कुछ डॉग्स को घेर कर उन्हें गोली मारने लगती है, लेकिन ज्यादातर डॉग्स वहाँ से भागकर अपने अगले टारगेट को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी समय सेबॉल्स उन डॉग्स के बारे में न्यूज पर देखता है कि सभी डॉग्स निडर हो चुके हैं और आपस में मिलकर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तभी हेगन अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और डॉग्स को सेबॉल्स पर अटैक करने का कहता है, जिससे सभी डॉग्स सेबॉल्स को बुरी तरह काटने लगते हैं और हेगन उसे चुपचाप मरता हुआ देखता है। दूसरी तरफ व्हाइट डॉग लिली से मिलता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है ताकि वो उसे हेगन के पास ले जा सके, पर रास्ते में उन्हें एनिमल शेल्टर का एक वर्कर रोक लेता है और व्हाइट डॉग को गोली मार देता है। ये देखकर लिली उस वर्कर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस डॉग को जान से ना मारे, पर वर्कर उसकी बात नहीं सुनता और घायल व्हाइट डॉग को खत्म कर देता है। इसके बाद लिली अपने फादर के घर भागती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश दिखाई देती है। इससे लिली समझ जाती है कि हेगन अपने साथी डॉग्स के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। यहां लिली को लगता है कि हेगन का लास्ट टारगेट उसके फादर हैं, क्योंकि उन्होंने ही हेगन को सड़क पर अकेला छोड़ा था, इसलिए लिली अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास निकल जाती है। इधर डैनियल भी लिली की सेफ्टी के लिए परेशान था, इसलिए वो कुछ हथियार खोजने लगता है। इस बीच गली में हेगन और उसके साथी डॉग्स आ जाते हैं और लिली को घेर लेते हैं। तब लिली हेगन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हेगन अब लिली पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए वो गुस्से में लिली के पास आने लगता है। तभी डैनियल ब्लो टॉर्च लेकर वहां आ जाता है, जिससे सभी डॉग्स और भी गुस्से में आ जाते हैं और डैनियल पर भौंकने लगते हैं। ये देखकर लिली रोने लगती है और सभी डॉग्स को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए लिली ट्रम्पेट बजाकर सबको शांत करने का सोचती है। लिली के ट्रम्पेट को सुनकर हेगन शांत हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है, इसलिए बाकी के डॉग्स भी जमीन पर बैठ जाते हैं और लिली के म्यूजिक को सुनने लगते हैं। ये देखकर डैनियल शॉक हो जाता है, साथ ही वो समझ जाता है कि अब उसकी बेटी सेफ है। मूवी के लास्ट सीन में लिली हेगन और उसके साथियों के सामने जमीन पर लेट जाती है। इसके साथ ही ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।